ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आप सारे आइटम्स को कैटेगराइज करिए कि कौन से आपको कैबिनेट्स के अंदर और बाहर रखने हैं। इसी तरीके से आपको ये भी देखना है कि कौन से बर्तन ऐसे हैं जिन्हें आप कम या ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से खाना बनाने के जो भी फूड आइटम्स हैं उसमें से कौन से मसाले आप कम और ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कैटेगराइज करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अचार्स हैं, पिकल्स हैं, शुगर बड़ा, शुगर का बॉक्स है, आटे का बॉक्स है, तो उसे आप किस तरीके से कहाँ पे रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को डिसाइड करने से पहले देखिए कि आपका वर्क एरिया कहाँ है। जैसे कि देखिए, मेरा किचन में एंटर होते ही साथ ये मेरा एक वर्क एरिया है जिसमें कि मैं खाना बनाती हूँ ज़्यादातर खड़े होके। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूमि, वेलकम टू कैच लाइव विद भूमि। आज हम देखेंगे पार्ट टू किचन टूर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप किचन टूर और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट वन ज़रूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी किचन की अलमीराज को ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसाइड करना है कि इनसाइड कैबिनेट्स और आउटसाइड कैबिनेट आपको क्या चीज़ें रखनी है। तो देखिए, मेरे वर्क एरिया के पास रखी हुई है ये एक वॉल शेल्फ, जिसमें कि मैं वो सारा सामान आउटडोर रखती हूँ जिसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आइटम्स आपको हमेशा हैंडी रखने चाहिए। अपने जगह हो तो काउंटर टॉप पर रखिए, या कोई शेल्फ रखिए जिसमें कि आप अपने वो सारा सामान जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत फटाफट पड़ती है खाना बनाते टाइम, उसको अपने साथ रखिए। तो देखिए, ये सारा सामान मैंने इस तरह से रखा हुआ है। आप पार्ट वन ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको अपनी किचन काउंटर टॉप और इस शेल्फ का पूरा ऑर्गेनाइजेशन दिखा रखा है। खाना बनाने के लिए जिन कुकिंग या फूड आइटम्स की मुझे ज़रूरत पड़ती है उन सबको मैंने अपर प्लेटफॉर्म की कैबिनेट्स में यूज़ किया है इस तरह से। जो बहुत ज़्यादा आइटम्स यूज़ होते हैं उन्हें मैंने वर्क एरिया के सबसे नज़दीक इसमें रख रखा है नीचे वाली में, और ऊपर वाली में मैंने रख रखा है जो कि बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ खाना बनाते टाइम। तो देखिए, जैसे राइस हैं और दालें हैं, मसाले हैं जो मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। मैंने जो बॉटल यूज़ करी है मैं धीरे धीरे यूज़ कर रही हूँ कांच की बॉटल्स। तो देखिए, अब जो मेरे इस वर्क एरिया में गैस स्टोव के ऊपर जो दूसरी मेरी कैबिनेट है उसमें मैंने रख रखे हैं मसालास जिनको मैं यूज़ करती हूँ खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैंने इस तरीके की एक रैक ले रखी है। इस शेल्फ के ऊपर वाले एरिया की जो शेल्फ है उसमें मैं रखती हूँ वो सब मसाले जिनका कि मुझे बहुत कम यूज़ करना पड़ता है। जैसे देखिए, इस कैबिनेट के ऊपर वाले हिस्से में वो मसाला आइटम्स हैं जिन्हें मैं कम यूज़ करती हूँ। तो जो नीचे एरिया है उसमें है ज़्यादा यूज़ होने वाला सामान, और जो ऊपर की शेल्फ में एरिया है उसमें मैं रखती हूँ जो सामान मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गैस स्टोव के दूसरी तरफ जो अलमीरा है इसमें मैं रखती हूँ सारे ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आइटम्स। और ऊपर वाले में मैं रखती हूँ अचार, पिकल्स या और भी बहुत सारा जो कम यूज़ होने वाला मसालेज हैं या सामान है वो मैं रखती हूँ ऊपर वाले एरिया में। इसके साइड में जो अलमीरा है इसमें मैं रखती हूँ छोटा मोटा सामान, जैसे कोस्टर्स, एक्स्ट्रा नाइफ, थोड़ा सा जो भी और जैसे चॉक्स हैं, एक्स्ट्रा स्पून्स हैं, कैलेंडर्स हैं, छोटा मोटा और स्टोरेज का सामान है, या मेरे कुछ डिशेस बनाती हूँ उनके जो एक्स्ट्रा मसालाज हैं वो सब मैं ऊपर और नीचे इन दोनों अलमीराज में प्रॉपरली अरेंज करके रखती हूँ। तो ये भी हैंडी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी जैसे ज़रूरत पड़ी तो हैंडी रहती हैं, जैसे कोस्टर्स वगैरह आपको अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सब इसमें रहते हैं। इसमें छोटा मोटा सामान जैसे एक्स्ट्रा जो सामान है वो रहता है। गैस के नीचे जो अलमीरा है उसमें मैं रखती हूँ कुछ ऐसा सामान जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे मेरे भगवान जी के छोटे मोटे बर्तन, एक्स्ट्रा कैप्स वगैरह, जैसे छोटी ग्लास को ढकने की छन्नी है, पिन्स हैं, जिप पाउच हैं, या जो मतलब छोटी मोटी छलनी हैं, ट्रेज हैं, ये सब मैं इसमें रखती हूँ। जो टिफ़िन के ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मैंने इन्हें एक कंटेनर में रख रखा है। टिफ़िन्स रखती हूँ यहाँ पे क्योंकि लंच देना पड़ता है मुझे डेली मॉर्निंग में, और रखती हूँ मैं एल्युमिनियम फॉयल। तो इस तरह से ये सारा सामान यहाँ पे अरेंज है। नीचे वाली जो कैबिनेट है उसमें रहता है सारा चपाती का स्टफ़, जो भी आपको रोटी बनाने के लिए जो भी स्टफ़ चाहिए, चकला, बेलन, तवा,
सब कुछ इकट्ठा इसी जगह पर रहता है। तो जब रोटी बनानी होती है तो मैं इस ड्रॉर से सारा सामान निकाल लेती हूँ और ये रहता है मेरा थोड़े बहुत किचन के कपड़े, जो हाथ पोंछने के लिए नैपकिन वगैरह चाहिए। ये मैंने एक स्टोरेज कंटेनर का ढक्कन रखा है जिसके पीछे रखती हूँ कुछ ऐसा सामान जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो जब भी चपाती बनानी होती है सीधे मुझे इसी ड्रॉर से सारा सामान मिल जाता है। खाना बनाने या खाने के लिए जो भी बर्तन चाहिए वो सारे मैंने प्लेटफॉर्म के नीचे वाली कैबिनेट में रख रखे हैं। जैसे देखिए मैंने जो यूटेंसिल्स या बर्तन रखे हैं खाना खाने के लिए, जैसे ग्लासेस हैं, कुछ जो स्पैचलास हैं, बोल्स हैं, या खाना बनाने के जो बर्तन हैं, वो सब मैंने अपनी बड़ी कैबिनेट की नीचे वाली कैबिनेट से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से मेरा ये सब जो सामान है वो एक अलमीरा में प्रॉपरली अरेंज रहता है। इसके जो नीचे वाला मेरा कैबिनेट है उसमें रहते हैं वो बर्तन जो कि मुझे खाना बनाने के लिए या खाने के लिए अगेन ज़रूरी रहते हैं। तो ये सारे बर्तन बहुत प्रॉपरली नीट एंड क्लीन इसमें रखे रहते हैं। मैं हमेशा शेल्फ के नीचे मेरे वर्क एरिया के जस्ट नीचे की जो कैबिनेट है उसमें रहते हैं बड़े बर्तन जिनको कि मैं यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए। कढ़ाई है, नॉनस्टिक पैन्स हैं, भगोने हैं, कुकर हैं, वो सब मेरे इस ऊपर वाले एरिया में रहते हैं। एक कॉर्नर ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ रख रखा है जिसमें ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज रहती हैं। तो जो बड़ी थाली है वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ और नीचे वाले एरिया में रहते हैं वो बर्तन जिनको कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। एक कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में मैंने इन सबको रख रखा है। कम यूज़ होने वाले बर्तन हैं जिसमें कि बड़े कुकर वगैरह भी शामिल हैं। ऑयल केन रहती है मेरी बड़ी 5 लीटर्स की जिसको कि मैं एक ट्रे के ऊपर रखती हूँ ताकि मेरा एरिया गंदा ना हो। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड है प्रॉपरली। अब जो क्रॉकरी है वो मैं रखती हूँ अपनी सबसे एंट्रेंस की जो सबसे बड़ी अलमीरा है उसमें मेरी दो ऊपर की जो अलमीराज हैं वो पूरी क्रॉकरी को डेडिकेटेड है। ऊपर रहती है वो क्रॉकरी जो कम यूज़ होती है, जैसे मैंने इंडक्शन भी यहीं रख रखी है। ये डोंगाज हैं या कैसरोल्स हैं, कम यूज़ होने वाले ग्लासेस हैं, कुछ बहुत ही अच्छे मेरे टी कप्स हैं, वो सब मैं अपने डिनर सेट वगैरह यहीं पर रखती हूँ। और मतलब इनकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा नहीं पड़ती। जो नीचे की अलमीरा है ये मैं यूज़ करती हूँ रखने के लिए बहुत ज़्यादा, मुझे जिन कप्स की मग्स की ज़रूरत पड़ती। जो क्रॉकरी बिल्कुल अनयूज्ड है या यूज़ नहीं होती है या टिफिन्स जो बहुत कम यूज़ होते हैं उनको मैं रखती हूँ सिंक की अलमीरा की बगल वाली कैबिनेट में। ये मेरे वर्क एरिया से थोड़ा दूर पड़ती हैं और इसी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा अलग रखती हूँ। ये सारा सामान मेरे स्टोरेज कंटेनर्स मैंने ले रखे हैं उसमें रखा रहता है। और जो मेरी पुरानी बास्केट्स हैं कुछ, मैं उनमें इस तरह से अपनी पुरानी क्रॉकरी को या वो क्रॉकरी जो कम यूज़ होती है उसका यूज़ करती हूँ। तो एक तो ये कैबिनेट्स थोड़ी दूर हैं तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये दूर ही रहती हैं। पुरानी जो मेरी बास्केट्स हैं उनमें देखिए मैंने बहुत सारी इस तरीके की बोल्स और प्लेट्स वगैरह रख रखी हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं। इस तरह से ये दो अलमीरा मैंने आपको दिखा दी। इस अलमीरा में रहते हैं मेरे शुगर के कंटेनर और मेरा आटे का कंटेनर। ऊपर रहते हैं सब्जी वगैरह काटने की छोटी मोटी मेरी डलिया और साथ में रहता है मेरा एक पॉलीथीन डिस्पेंसर। जो डेली कप यूज़ होते हैं उसके उस अलमीरा के नीचे वाली अलमीरा में मेरे रहते हैं कुछ सर्विंग बोल्स, थोड़ा बहुत मेरी स्लेट्स वगैरह जिनमें मैं कुछ कोटेशंस वगैरह लिखती रहती हूँ, कुछ प्रसाद वगैरह के डब्बे, तो ये सब रहते हैं प्रॉपरली एक ट्रे में अरेंज। और छोटा मोटा सामान जो भी है जो कि सर्विंग के लिए चाहिए, जैसे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो वो सारा सर्विंग का सामान और निकनेक्स वगैरह जैसे, ये सब मेरे यहीं इसी वाले कैबिनेट में रहते हैं। ये एंट्रेंस में ये कैबिनेट पड़ती है तो कोई गेस्ट आता है तो मुझे अगर सर्विंग करनी होती है तो वो मुझे सारा सामान प्रॉपर्ली यहीं से मिल जाता है। तो इसी कंटेनर्स में रहते हैं कुछ नमकीन्स, बिस्किट्स, कुछ बेकरी का सामान और यहीं पे रहते हैं सर्विंग बोल्स। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको दिखाया था अभी। और एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई, वो यहीं पर रहती है मेरी मिक्सी। जब भी मुझे चाहिए होती मैं मिक्सी, और मिक्सी के बगल में रहते हैं सारे जार्स, तो मेरे सब चीज़ें यहीं पर देखिए अरेंज है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर मैंने कोशिश करी इसे बहुत एक छोटा वीडियो बना के जल्दी से जल्दी दिखाने की, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप किस तरह से रखते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।